हेलो फ्रेंड्स, द बर्निंग इश्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आसिफ नज़ीर। दोस्तों, आज 8th ऑफ नवंबर और हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू। तो आइए देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो 8th नवंबर, ये ऐसी डेट है जो सबको याद होगी, राइट? तो यही वो दिन है जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो मनमोहन सिंह ने, हमारे जो फॉर्मर पीएम हैं, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है इस डिसीज़न को। उन्होंने कहा है कि एक तो डिमोनेटाइजेशन और उसके अलावा जीएसटी को भी इंक्लूड करते हुए उन्होंने कहा है कि ये दो फैसले इन्होंने क्या किया है, बिजनेस की एक तरीके से कमर तोड़ दी है, ब्रोक द बैक ऑफ द बिजनेस, राइट? आगे इनका कहना है कि ये एक ब्लैक डे है हमारी इकोनॉमी और डेमोक्रेसी के लिए, और ये दो फैसले इन्होंने तो हमारी इकोनॉमी के लिए ये डिजास्टर साबित हुए हैं, और कमर एक तरीके से बिजनेस पे इसका बहुत असर पड़ा है, ठीक है, ब्रोक द बैक ऑफ द बिजनेस। और आगे इन्होंने ये भी कहा है कि नोट बैन वाज, ये क्या था, एक ऑर्गेनाइज लूट और लीगलाइज प्लंडर थी, ये वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, और इसी वर्ड की वजह से पिछली बार काफ़ी हंगामा भी हुआ था, आपको पता हो तो। इनको नरेंद्र मोदी ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था, ठीक है। तो ये सारी बातें इन्होंने कही है। तो इनका कहना यही है कि जिस मकसद से ये की गई थी वो मकसद हासिल नहीं हुआ, इसमें जबकि लॉस काफ़ी हुआ, राइट? तो ये कह रहे कि नॉट द रेमेडी। उन्होंने कहा कि नो डाउट यहाँ पे ब्लैक मनी है और उसको टैकल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, राइट? लेकिन कह रहे हैं कि ये राइट रेमेडी नहीं है, ये रेमेडी वो नहीं है, ये जो पिल आप जो दे रहे हैं ये प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। कह रहे हैं कि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें दिक्कत वाली हैं, ये ब्लैक मनी को और टैक्स इवेजन, ये हमारे मिनेस हैं, ठीक है ना, लेकिन इनको एक इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए था। और इन्होंने ये भी कहा है कि आपको याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है जिसने इतने लंबे अमाउंट को, 86% ऑफ दी जो लीगल टेंडर हो उनको डिमोनेटाइज किया हो, राइट? उन्होंने आगे कहा है कि दिस ट्विन ब्लो इज़ कंप्लीट डिजास्टर फॉर इकोनॉमी। और जीएसटी को उन्होंने कहा है कि एक तरीके से ये बैडली डिज़ाइंड है और बहुत ही जल्दी में इम्प्लीमेंट किया गया ये टैक्स सिस्टम है। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स भी आ रही है। आप सबको पता होगा 9-10 में अभी जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग होनी है, और उसमें भी बहुत सारे फैसले लिए जाने हैं, टैक्स स्लैब को कम किया जाना है, रेट को कम किया जाना है। तो यही कह रहे हैं कि हमने ये तो, चूंकि जीएसटी जो प्लान है, कह रहे हैं कि ये तो हमारा ही है, ये यूपीए का ही विज़न था, और हमने ये जो प्लान किया था उसमें क्या कहा था कि एक टैक्स रखने की बात की थी, सिंगल टैक्स कैप्ड एट 18%, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसमें कई सारे स्लैब बना के और कई सारे रेट रख के इसको एक तरीके से और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, एक मेस बना दिया है, राइट? जबकि हम ये चाहते थे कि एक रेट हो और ताकि उससे बिजनेसमैन की लाइफ इजियर हो जाए, ठीक है। ये सारी बातें इन्होंने कही है। गवर्नमेंट हेड, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने इस डिसीज़न में का किसी को भी इन्वॉल्व या प्राइवेट कंसल्टेशन, अपोजिशन, इन सब की बातों को भी, इन सब के जो सजेशन थे उसको भी इन्होंने इग्नोर किया है। टैक्स टेररिज्म की भी बात कर रहे हैं कि इन द गवर्नमेंट विथ टैक्स टेररिज्म इन द नेम ऑफ द फाइटिंग करप्शन। तो एक तरीके से कह रहे हैं ये टैक्स टेररिज्म का काम कर रही है गवर्नमेंट करप्शन से लड़ने के नाम पे। तो ये सारी बातें इन्होंने कही हैं एक तरीके से, ये पॉलिटिकल बात, कुछ चीज़ें इसमें आप वैसे नोट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें काम की हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिकल ही है, राइट? और एथिकली करेक्ट, जेटली ने इनकी बातों को फिर से खारिज किया, काउंटर आर्गुमेंट आया, और उन्होंने कहा कि अगर देश में है ट्रांसपेरेंटी, ऑनेस्टी और इन सब चीज़ों को लाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है, ये कदम उठाया जाना था ताकि हमारा देश एक साफ़ सुथरे और पारदर्शी इकोनॉमी की तरफ बढ़ सके, राइट? अगली न्यूज़ देखिए जो है, वुमेन कैन ज्वाइन मुस्लिम स्पाउस। हाई कोर्ट ने कहा है, राजस्थान का केस है, उसमें ये हुआ था कि एक मुस्लिम जो थी, पायल, जो बाद में कन्वर्ट होके मुस्लिम किसी लड़के से शादी कर ली थी, तो इसको नारी निकेतन में रहने का ऑर्डर हुआ था शुरू में, लेकिन बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो चूंकि अपने वो शौहर के साथ जाना चाहती है, तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा है, सॉरी, कि वो शी इज़ फ्री टू गो, ठीक है, मतलब अपने शौहर के साथ जाने के लिए वो फ्री है, राइट? लेकिन इसमें जो इस डॉक्यूमेंट्स जो इसमें मैरिज से रिलेटेड है और कन्वर्जन से रिलेटेड, उसकी जांच अभी चलती रहेगी, ठीक है। एक और एक बिल है जो देखिए, राजस्थान फ्रीडम बिल पास बाय राजस्थान 2008 में पास हुआ था, तो इसको अभी नोट नहीं मिल पाया, ठीक है, इसको अभी असेंट नहीं मिल पाया प्रेसिडेंट का, तो ये इस पे, ये कह रहे कि राजस्थान अभी भी वेट कर रहा है इस पे। तो यही है, ये जिसमें फोर्सेबल कन्वर्जन होता है उससे रिलेटेड ये बिल है, राइट? तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ ये देखिए, दिल्ली की एयर की क्वालिटी फिर एक तरीके से दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है, राइट? तो
तो फिर आप, और कल काफ़ी IMA ने सजेशन भी दिए हैं, अगर आपको ना पता हो तो। उन्होंने जो बच्चे हैं, आप लोगों को पता होगा वैसे कि जो प्राइमरी तक के स्कूल यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं, राइट। और IMA ने सजेशन दिए हैं जिन जो पेशेंट है वो घर से बाहर ना निकले, और जिन लोगों को भी ब्रीथिंग वगैरह की प्रॉब्लम है वो घर ही में रहे, राइट। और ये देखिए सिचुएशन क्या है, दिल्ली 4448 सीवियर, देख रहे हैं 448 ये पहुंच गया है हमारा PM2.5 और PM10 का ये जो लेवल है। फरीदाबाद के देखिए 409, गाजियाबाद, ये सारे सिचुएशन है। और वी हैव डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, देखिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। तो फिर आज हम एक बार देख लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, राइट। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स हालांकि हम देख चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। देखिए 0 to 50 होता है तो इसको गुड कहते हैं, एयर क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री मानी जाती है, राइट। और मॉडरेट उसको कहते हैं जब 51 से 100 के बीच जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और एयर क्वालिटी एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। 100 से 150 के बीच अनहेल्दी एंड सेंसिटिव ग्रुप होता है, तो इसमें कुछ जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको दिक्कत आती है। 151 से 200 के बीच अनहेल्दी होता है, इसमें सभी को दिक्कत आनी शुरू हो देती है। और 201 से जो 300 के बीच वेरी अनहेल्दी हेल्थ अलर्ट इसमें लागू हो जाता है, और मोर सीरियस हेल्थ इफेक्ट। और ये जो लास्ट वाली जो कंडीशन है हजार्डस वाली, हेल्थ वार्निंग ऑफ द इमरजेंसी कंडीशन, तो ये अब सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है हमारी एयर क्वालिटी की दिल्ली में, देख रहे हैं। यहाँ पे 300 1 to 500, और यहाँ पे हमारे वहाँ लास्ट वाली कंडीशन, और ये देखिए दिल्ली में ये 448 है। ओ माय गॉड, तो ये कंडीशन है हमारे वहाँ की, राइट। तो आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाए, ठीक है। और ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अंडमान में एक नया, पिछली बार भी आप लोगों को पता होगा, पिछली बार एक बनाना की स्पीसीज खोजी गई थी वहाँ पे 2014 में, ठीक है। उसका नाम था मूसा इंडन डेमेरिट इंडन डमनेसिस, ठीक है ना, इंडम डमने, ओहो ये है मूसा इन IND, देखिए ये इंडिया और अंडमानेंसिस है, अंडमान में चूंकि खोजा गया था इसलिए इसका नाम ऐसे रखा गया है, राइट। तो ये था, और अब एक नया मूसा ये खोजा गया है, और इसका नाम इन्होंने रखा है परमजीतियाना। परमजीतियाना क्यों रखा गया है, क्योंकि परमजीत सिंह जो है एक बॉटनिकल सर्वे एक के डायरेक्ट BSI के डायरेक्टर हैं, उनके उनके ऑनर में ये नाम रखा गया है, ठीक है। तो मूसा परमजीतियाना ये है, और इसका ये है, इसकी खासियत ये है कि ये इसके स्वीट एंड सार दोनों टेस्ट है इसमें, राइट। और इसमें सीड्स भी पाए जाते हैं। तो ये जो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इसकी जो सिचुएशन है, इसकी पोजिशन क्या है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए हो जाती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड याद रखें, और यही है वो न्यूली डिस्कवर्ड बनाना, राइट। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड याद रखें, बोट शेप्ड का है ये, ठीक है। और इसमें दोनों है स्वीट एंड सार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। मेडिकल इसका कुछ यूज़ भी लिखा हुआ है, इसके अलावा इसको स्यूडो स्टेम, जो इसका स्टेम है, इसके लीव है, इसको भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे सेरेमनीज वगैरह में भी। तो ये सब चीज़ें ट्राइबल में होती रहती है। तो आगे की न्यूज़ देख लेते हैं, पेज नंबर 2 पे बढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटी नॉट फॉर अस। और जो अगली न्यूज़ है हमारे लिए ये देखिए, यस ये देखिए एक नई आंट खोजी, एंट एंट होती है ना वेस्टर्न घाट पे, जो चीटी जिसको कहते हैं, तो उन्होंने एक नई वैरायटी की एंट स्पीसीज को ढूंढा है वेस्टर्न घाट पे। और इन्होंने ये ढूंढा है इसको कहाँ पे, फाउंड इन द पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो एमिनेंट जो मिरमेकोलॉजिस्ट है, मिरमेकोलॉजिस्ट उनको कहते हैं जो एंड से रिलेटेड स्टडी करते हैं, राइट। तो मुश्ताक अली है, उन्हीं के नाम पे इसका नाम भी रखा गया है, और इसका नाम रखा गया है टायरेनो मिरमेक्स अली, ठीक है ना, या टी अली, राइट। तो ये पेरियार तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पेरियार टाइगर रिजर्व। तो हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व की, राइट। तो पेरियार टाइगर रिजर्व की बात करें, देखिए पेरियार नेशनल पार्क, इसी में ये टाइगर रिजर्व भी है, इसमें एलिफेंट और टाइगर दोनों रिजर्व हैं। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया है थेकड़े डिस्ट्रिक्ट में, राइट। और पेरियार नेशनल पार्क ये 1982 में डिक्लेयर किया गया था। और इसके अलावा इसके आसपास की जो रिवर है उसको भी दिया देख लेते हैं। तो दो मेजर रिवर है, एक पेरियार और एक पम्बा, राइट। और इसके अलावा हम इसकी लोकेशन आपको दिखाने की कोशिश करें मैप में, ये देखिए ये है पेरियार नेशनल पार्क, राइट।
देख रहे हैं ना ये लोकेशन आप, तो पेरियार नेशनल पार्क ये है, तो इसकी लोकेशन आप याद रखें ठीक है ना, केरला में है ये। तो ये हमने देख लिया पेरियार, और ये देखिए कंबाला जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाने से मना कर दिया। कंबाला आप लोगों को पता होगा कंबाला क्या है, कंबाला एक रेसिंग वो गेम होता है बफेलो का, और कर्नाटका के कोस्टल एरिया में ये खेला जाता है। आप सबको पता होगा एक और गेम है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, आप बताइए कौन सा है। जलीकुट्टी देखिए जो था उस पर बैन लगा था, उसके बाद ये कम्बाला भी इस पर भी एक तरीके से बैन लगाने की बात की थी, लेकिन इन्होंने क्या किया एक ऑर्डिनेंस ले आए थे और इन्होंने कहा था कि नहीं हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, तो उसी पे फिर पेटा के लोगों ने एतराज़ जताया था और ये उन्होंने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, एक फाइल की थी PIA। तो ये क्या हुआ उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से मना कर दिया। तो कम्बाला याद रखें, कम्बाला एक बफेलो रेसिंग गेम है राइट, और ये कर्नाटका के कोस्टल एरिया में, कुछ अगर मैं नाम ले सकूँ जैसे उडुपी हुआ और इसके अलावा केरला के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये खेला जाता है ठीक है, बेंगलोर वगैरह में राइट। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। और आगे बढ़ते हैं, इस पे कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है हमारे लिए। और ये देखिए डिमोनेटाइजेशन के ये जो पेज है, ये हालांकि ऐड का पेज है लेकिन इसमें काफ़ी पॉइंट आपको मिलेंगे राइट। अगर डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये सारे और उसके क्या फ़ायदे हुए, तो ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इसको आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं जो आखिर गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट जो बता रही जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे और जो इनको फाइनली अचीवमेंट इनका, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा ठीक है ना। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये एड्स भी, तो इसीलिए मैं इनको स्किप नहीं करता राइट। लोगों ने बहुत हमें मशवरा भी दिया कि ये आप ऐड ब्लॉक कर दीजिए और सिर्फ पेपर डिस्कस कीजिए, लेकिन कभी कभी चीज़ें इंपॉर्टेंट आती है। एक देखिए LG और जो CM का गवर्नमेंट का दिल्ली गवर्नमेंट का जो टसल चल रहा है उससे रिलेटेड अभी वहाँ पे चल रही है बहस चल रही है, 2 दिन हो गए। दूसरे दिन ये उन्होंने कहा है LG कैन नॉट डिफर विद गवर्नमेंट ऑन ट्राइवियल इशू, तो LG जो है वो गवर्नमेंट से जो ट्राइवियल इशू है जिन पे इन लोगों की सहमति नहीं है उस पे डिफर नहीं कर सकता, ऐसा इन्होंने कहा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट्स एडवाइस शुड बी एक्सेप्टेड, तो दिल्ली गवर्नमेंट की अगर कुछ ऐसी एडवाइस है तो जिनमें अथॉरिटी का अब्यूज़ ना हो रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए, मतलब जो उनकी अथॉरिटी में हो राइट, तो उसको LG को एक्सेप्ट करना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा है दो हैविंग एवरी अथॉरिटी टू डिफर हिज डिसएग्रीमेंट विद द दिल्ली गवर्नमेंट शुड नॉट बी ट्रेवल ठीक है। और देखिए एड एंड एडवाइस कह रहे हैं जो शुड बी एक्सेप्टेड एंड रेस्पेक्टेड अनलेस देर इज अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, यही बात जो अब ऊपर हमने कही। और इंटरवेंशन ऑफ द LG डज नॉट मीन, तो ये कह रहे हैं कि अगर LG अगर आप इंटरवेंशन करते हैं किसी चीज़ में तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे लड़ रहे हैं राइट, ये लेकिन ये जो कन्फ्रंटेशन है या इंटरवेंशन है ये इशू ओरिएंटेड होना चाहिए, इसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इसमें सब्सटेंस होना चाहिए, ये इनका कहना है। LG शुड कंडक्ट हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़, LG को डायरेक्ट कर रहे हैं कि उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ निभानी चाहिए, और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अगस्ट हेड है ठीक है, वो उसके हेड है, और साथ ही साथ उनको ये भी जहन में रखना चाहिए कि दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है नेशनल कैपिटल, और ये पार्लियामेंट के 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये दिया गया है। तो ये सब बातें उनको ध्यान में रख के ही डिसीजन लेने चाहिए, और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो 239AA का जो प्रोविज़न है जिसका मकसद ही था कि हारमोनियस गवर्नेंस हो, तो उसको एक तरीके से ये डिफीट करेंगे, क्योंकि सिटीज़न का जो ट्रस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और कंकरेंस जो होती है, कह रहे कि हर चीज़ में कंकरेंस ज़रूरी नहीं होती है ठीक है, तो वन मैंस कंकरेंस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी थिंग, तो ये हर चीज़ में कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं होता है कि आपको सहमति हो, तो ये सारी बातें इन्होंने कही है। और दिल्ली गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू इंटीमेट द LG ऑन टेकिंग पॉलिसी डिसीजन ठीक है, तो यू आर बाउंड टू इंटीमेट द LG बाउंड, यू कैन नॉट से द LG हैज़ टू अकर ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप बाउंड हैं डिसीजन लेने के लिए लेकिन उसकी सहमति LG की सहमति के बिना, और आप ये नहीं कह सकते कि हम मतलब आप डायरेक्ट नहीं कर सकते LG को कि आप इस पे सहमति दीजिए ठीक है ना, लेकिन आपको उनसे सहमति लेनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें ये इन्होंने कही है। और इनको जो वकील थे सुब्रमण्यम, इन्होंने ये भी कहा है कि बार बार में ये इंटरवीन करते हैं जैसे मोहल्ला क्लिनिक के अपॉइंटमेंट में, और इसके अलावा
भी कुछ दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ थे प्रोसेस पॉलिसी से रिलेटेड, उसमें ये बार बार इंटरव्यू करते हैं, तो ऐसा इन्होंने कहा है, राइट। तो इस पर ये सब अब बहस चल रही है, शायद एक दिन और 3 दिन की होनी थी, एक दिन और अभी उसमें होने हैं। इसके अलावा मेडिकल सर्विसेज रिमेन क्रिपल इन राजस्थान, 8,000 गवर्नमेंट डॉक्टर जो है उन्होंने मास लीव ले लिए, तो देखना है क्या होता है इसमें गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ें। हालांकि हेल्थ से रिलेटेड ये इशू अभी आ जाएगा यहाँ पे, तो इस पे गवर्नमेंट को अभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है, गोवा मुंबई फेरी सर्विस ये शुरू हो गई है, मिनिस्ट्री सेड दैट सागरमाला प्रोजेक्ट विल इनेबल क्रिएटिंग 10 मिलियन जॉब्स इंक्लूडिंग 4 मिलियन डायरेक्ट जॉब। ठीक है, तो सागरमाला प्रोजेक्ट जो है वो कह रहे हैं कि 10 मिलियन जॉब को प्रोड्यूस करेगा, तो ये उसी का एक पार्ट है गोवा मुंबई फेरी सर्विस, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सागरमाला प्रोजेक्ट। तो सागरमाला प्रोजेक्ट देख लेते हैं क्या है। सागरमाला प्रोजेक्ट एक स्ट्रेटजिक एंड कस्टमर ओरिएंटेड इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसमें करना क्या है, इसमें जो हमारे पोर्ट्स हैं उनको मॉडर्नाइज करना है और पोर्ट लेड डेवलपमेंट करने का प्लान है कोस्टल एरियाज में, जो कि इंडिया की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करेगा। जैसा अभी हमने कहा ना कि ये क्या करेगा, इन्होंने कहा है कि ये 4 मिलियन जॉब को पैदा करेगा, राइट। तो 10 मिलियन सॉरी, और 4 मिलियन डायरेक्ट जॉब को, तो उसी के लिए ये प्लान लाया गया था और इसको 2015 में ये लाया गया। ठीक है, तो इसमें वाटर वेज जो है उनको एक तरीके से क्या किया जाना है, देखिए इसमें पोर्ट्स ट्रांसफार्मिंग द एग्जिस्टिंग पोर्ट्स इनटू मॉडर्न वर्ल्ड क्लास पोर्ट, इसके अलावा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, हिंटरलैंड, एफिशिएंट इवैक्यूएशन सिस्टम थ्रू रोड, रेल, इनलैंड कोस्टल वाटरवेज, रिजल्टिंग इन पोर्ट्स बिकमिंग द ड्राइव ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी इन द कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो इसमें अक्सर क्वेश्चन आ जाता है सागरमाला में कि इसमें सिर्फ पोर्ट ही को डेवलप किया जाना है या इसको, तो ये याद रखें आप कि इसको सबसे जोड़ा जाने का प्लान है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बहुत है यहाँ पे। एफिशियंट इवैक्यूएशन सिस्टम थ्रू रेल, रोड, इनलैंड, ठीक है, ये याद रखें कि इसमें तीनों चीज़ें शामिल हैं, रेल, रोड और इनलैंड कोस्टल वाटरवेज। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। इसके अलावा मैप में भी देखने की कोशिश करते हैं हम सागरमाला प्रोजेक्ट, ये देखिए ये है सागरमाला प्रोजेक्ट, यहाँ पे ये सारे पोर्ट हैं आपके, मेजर पोर्ट हैं जो इंडिया के, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नोर, चेन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरन, कोची और बेंगलोर, मर्म गोवा, जेएलएन, मुंबई, पोरबंदर, कांडला, इन सब चीज़ों के तरीके से इनका डेवलपमेंट, इनको कनेक्ट करना, इनको जैसे रेल के थ्रू देखिए ऐसे और रोड के थ्रू ऐसे सब कनेक्ट करना, ये सागरमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है, राइट। तो बढ़ते हैं आगे, एडिटोरियल थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे और ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जीएसटी काउंसिल की फिर से मीटिंग होनी है, आपको पता होगा अभी हमने डिस्कस किया था 9 और 10 को, तो उसमें देखिए 80% जो है चीज़ें जो गुड्स हैं उनको स्लैब जो है उनका 28% था पहले, उनको 18% किए जाने की संभावना जताई जा रही है, और जो कंपोजिट स्कीम है उसमें भी रोड रेट जो है उनको कम किए जाने और फार्म को भी सिंपल किए जाने की उम्मीदें हैं। मोदी ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि हम इसको और इजी करेंगे और जो भी ग्रीवांसेज आ रही है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लोगों को एक्सपेक्टेशन है जैसा मोदी ने कहा था, तो उस पे हो सकता है कि 80% इनकी जो गुड्स हैं उनको उनका स्लैब कम किया जा सकता है, 28% से 18% में लाया जा सकता है। कंपोजिट जो स्कीम है उसमें भी कह रहे हैं कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं और ऑल टैक्स पेयर्स को अलाउ किया जा सकता है कि वो अपने फाइल रिटर्न करें क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था, मंथली बेसिस पे होता था, तो उसकी जगह पे अब क्वार्टरली बेसिस पे इनको अलाउ किया जा सकता है और सिंप्लीफाई किया जा सकता है इनके जो है फॉर्म वगैरह को है, ठीक है, इनको और इजी किया जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है, राइट। इसके अलावा कुछ स्टेप जो लिए लिए मैन्युफैक्चरर और टू टैक्स पे रेट एंड लोअर रेट ऑन देयर एनुअल टर्नओवर इन द कार्ड्स, ठीक है, ये तो स्टेप ऑलरेडी लिया जा चुका है। इंटर स्टेट जो सप्लायर है उनको भी परमिट किया जा सकता है इस स्कीम को ज्वाइंट करने के लिए, राइट। और जिनकी लिमिट क्या हो, इसकी लिमिट को भी कह रहे हैं कि बढ़ाया जा सकता है, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ किया जा सकता है, और ये जो है जो टैक्स था, द टैक्स रेट फॉर मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट अंडर द स्कीम इज लाइकली टू बी ब्रॉट डाउन टू 1% फ्रॉम टू, आप लोगों को पता होगा
2% और 5% ये जो है अभी जो मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट के लिए है, तो उसको कह रहे हैं कि 1% किया जा सकता है। तो ये सारे चीज़ें, मतलब ये एक्सपेक्टेशन है इनके, ये सारी चीज़ें की जा सकती है। तो फाइनली हम तभी देखेंगे जब ये आ जाएगा। तो क्यों? क्योंकि इसमें फाइनल ये तो एक्सपेक्टेशन है ना कि इनके ऐसा किया जा सकता है। तो आज कल है शायद, कल परसों, तो ये डिटेल इसकी आ जाने दीजिए, हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। राइट, ये देखिए NIA ने 36 करोड़ का डिमोनेटाइजेशन नोट बरामद किया है, और ये कह रहे हैं कि ये जो सेपरेटिस्ट लीडर है उनको पहुंचाया जाने था, ऐसी कुछ फाइंडिंग हुई है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्राफ में दी हुई है, देखिए जो डिमोनेटाइजेशन में कैश था उसका लिख रहे हैं 90% डिमोनेटाइजेशन, बस वो करेंसी जो थी वो सर्कुलेशन में जो थी वो वापस बैंकों में आ गई है। तो और इसके अलावा ये लिख रहे हैं कि डिजिटल करेंसी कार्ड्स डेबिट कार्ड इसका जो देखिए ये क्या हुआ है, यूज़ बढ़ा है, ठीक है ना। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन वगैरह भी इनका बढ़ा है। तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये करेंसी इन सर्कुलेशन थी, देखिए इतना थी, और ये देखिए ये बिल्कुल कम होती गई, और फिर धीरे धीरे ये अक्टूबर में ये बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से ये तो अब धीरे धीरे काफ़ी बढ़ गई है, ये तो पिछले लेवल पे अब आने वाली है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो क्रेडिट कार्ड्स है ये ग्रीन कलर, और डेबिट कार्ड है रेड कलर, इसका भी देखिए यूज़ काफ़ी बढ़ा है। राइट, तो ये सी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल सकती है डिमोनेटाइजेशन के ये फायदे। हाँ, जैसा आप लोगों को पता होगा क्वाड्रिलेटरल जो मीटिंग होनी है, तो उसमें ये इन्होंने कहा है एस जयशंकर ने कि ये जो मीटिंग है हमारी, तो ये ओशियन जो है हमारा इंडियन ओशियन जो है, तो उसको फ्री रखने के लिए हम एक तरीके से हमारे जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनको साथ में ले रहे हैं, ठीक है। इंडिया इज़ वर्किंग विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज़ और प्रिजर्विंग सिक्योरिटी ऑफ ओशियन, ठीक। हमें क्या करना है कि हमें अपनी इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, तो हम एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल कंट्री ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि एज इंडियन ओशियन टेक सेंटर स्टेज इन द 21st सेंचुरी, द ओनस इज ऑन अस। तो सेंटर इंडियन ओशियन को कह रहे हैं एक तरीके से सेंटर स्टेज बना हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको सिक्योर करें। तो इसी के लिए हमने ये कदम उठाया है। तो ये कह रहे हैं कि वर्किंग विथ लाइक माइंडेड कंट्रीज टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी इनवायलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द मैरीटाइम डोमेन। राइट, आप लोगों को पता होगा कि ये आशियान समिट, जो आशियान और ईस्ट एशिया समिट अभी मनीला में हो रही है फिलीपींस में, और वहीं पे ये क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग भी हो रही है। राइट, तो उसी से पहले ये इन्होंने ये बात कही है, क्योंकि अभी एक कंसर्न रेज हुआ था कि चाइना को काउंटर करने के लिए हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हम अपनी सिक्योरिटी प्रिजर्व करना चाहते हैं। और ये इलेक्शन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखिए जो ये क्वाड्रिलेटरल वाली ही बात है, इसी को देखिए आगे बढ़ यहाँ पे इस न्यूज़ में कहा गया है। तो इसमें ये चाइना के लोगों ने कहा है कि जो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये चाइना को काउंटर करने के लिए नहीं है। चाइना ट्यूजडे डिसमिस्ड द प्रपोज इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट अमंग द US, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये चाइना को कंटेन करने के लिए ये नहीं है, ठीक है ना। तो और इन्होंने ये भी कहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन वाज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल कवर, ये कह रहे हैं कि ये सभी के लिए ग्लोबल कवर है, पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से ये स्पेस है, ठीक है। तो पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन और आइदर साइड ऑफ द मलक्का स्ट्रेट वाज अ डायनेमिक रीजन, ये कह रहे हैं कि जो इधर मलक्का वाला रीजन है ये डायनेमिक रीजन है। और उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेबिलिटी एंड पीस इन द इंडो पैसिफिक वाज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू एश्योर प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। तो अगर इस रीजन में प्रॉस्पेरिटी लानी है तो इंडियन ओशियन में भी पीस स्टेबिलिटी आनी चाहिए। राइट, उसमें भी पीस होनी चाहिए, स्टेबिलिटी और पीस ही से प्रॉस्पेरिटी आती है। राइट, इसके अलावा ये सऊदी वाली न्यूज़ है, जो देखिए सऊदी अरबिया ईरान पे इल्ज़ाम लगा रहा है, क्योंकि वह भी वहाँ पे भी हुआ है, एक मिज़ाइल रियाद की तरफ आई थी यमन से, तो उस पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये ईरान की ही कारस्तानी है। राइट, और बलूचिस्तान का एक तरीके से देखिए ये प्रदर्शन हो रहा है लंदन में। IOC ब्लेम्ड फॉर फ्यूल, IOC को देखिए ब्लेम किया गया है कि ये फ्यूल में शॉर्टेज के लिए श्रीलंका ने ये ब्लेम लगाया है कि फ्यूल में कंटेमिनेशन भी पाए गए हैं, और इसके अलावा डिसरप्ट किया गया है इनको सप्लाई को भी। आज वैसे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं, इंसॉल्वेंसी एंड रिजर्वेशन अनाउंसमेंट। देखिए इंसॉल्वेंसी के जो मेथड है, जो रिजोल्यूशन नॉर्म्स है, उनको कह रहे हैं कि और स्ट्रिंजेंट किया जाना है। राइट, तो ये काम कौन करता है, काम कौन देखता है, ये देखता है
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हम देख लेते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है। ये एक रेगुलेटर है जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग को देखता है। इसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इसके अलावा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड इनफॉर्मल यूनिट्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और 1 अक्टूबर 2016 को इसको स्टेबलाइज किया गया था थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है, जो 5 मई 2016 को लोकसभा में पास किया गया था, राइट। तो बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये देखी हमने, और बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने पे हम देखते हैं वही, फिर एनोनिमिटी ऑफ कैश रिमूव्ड, ये सारी बातें डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड इन्होंने कहा है कि सस्पिशियस जो अमाउंट थे 1.6 से 1.7 लाख के बीच, उसको मतलब अब पता लगाए। ये देखिए क्या होता है कि सर्कुलेशन जब होता है किसी भी मनी का, तो उसमें आपको ये नहीं पता लगा सकते कि आप कितना जो है उसमें सस्पिशियस अमाउंट है, कितनी फेक करेंसी है। तो ये कह रहे हैं कि इससे ये पता लग गया, जो हमारा एस्टिमेट था कि 1.6 से 1.7 लाख के अराउंड ये लगभग है, राइट, सस्पिशियस अमाउंट इन्वॉल्व। तो ये कह रहे हैं कि ये सारे अब धीरे धीरे बैंकों में आ गए, तो एक तरीके से जो सस्पिशियस अमाउंट थे, करेंसी जो सर्कुलेशन में थी, वो ख़त्म हो गई, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी और रिपोर्ट दे रहे हैं कि इतने पैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ये सारी एजेंसीज ने मिल के डिस्क्लोज किए हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं आगे, आई थिंक, हाँ देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़, इंडिया ने कल एक सीरीज जीती है न्यूजीलैंड के खिलाफ, हिट 220, वो इंडिया न्यूजीलैंड को 6 रन से हरा के ये सीरीज अपने नाम कर ली है, राइट। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।